मुफ्त रेवड़ियां बांटकर और झूठे वादे करके अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक सत्ता में तो आ गई, लेकिन इन राज्यों की बिगड़ती वित्तीय हालत ने जब खुद ही पोल खोलनी शुरू की तो घबराए केजरीवाल ने मुफ्त रेवड़ियां वापस छीननी शुरू कर दी है। शुरुआत दिल्ली से हुई जहां फ्री बिजली का झुंझुना केजरीवाल ने बजाना बंद कर दिया है, यानी अब मुफ्त बिजली उन्हीं को मिलेगी जो लेना चाहते हैं, सबको नहीं। जानने वाले इसे सब्सिडी देने का मोदी मॉडल बताते हैं, लेकिन केजरीवाल का ये मॉडल कोई मोदी मॉडल नहीं है बल्कि एक धोखा है, जिसमें फ्री बिजली लेने के लिए आपको सरकार के पास जाकर गुजारिश करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास बिजली का बिल अपने आप आ जाएगा और वो आपको चुकाना ही होगा। यानी केजरीवाल की वैकल्पिक मुफ्त बिजली व्यवस्था में मुफ्त बिजली उन्हीं को है जो सरकार के पास जाकर क्लेम करेंगे। अगर आप नहीं जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, जबकि मोदी वाले मॉडल में सब्सिडी सबको मिलती थी, सिर्फ उन्हें नहीं मिलती थी जो खुद से छोड़ देता था। इसीलिए केजरीवाल के इस खोखले मॉडल की सच्चाई जब लोगों को पता चली तो विरोध के सुर उठने लगे हैं। अब तक मुफ्त बिजली का मजा ले रहे दिल्लीवासी केजरीवाल के ऐलान के बाद से कई जगह विरोध कर रहे हैं, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जता रहे हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा। दिल्ली के उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता है, जबकि प्रतिमाह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है। मुफ्त बिजली के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी इसे एक अहम मुद्दा बनाया था, लेकिन पंजाब छोड़ कहीं भी ये मुद्दा नहीं चल पाया। अब अगले कुछ महीने में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली में खत्म हुई सब्सिडी को लेकर इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि फ्री बिजली का लॉलीपॉप अब लोगों के बीच असर खोता जा रहा है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है। सांसद मनोज तिवारी ने आप सरकार के मुफ्त बिजली और सब्सिडी बंद किए जाने को लेकर जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली की योजना पर अचानक ब्रेक लगने पर सांसद मनोज तिवारी ने इसे पंजाब की मुफ्त बिजली योजना से जोड़ दिया है। सांसद ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या दिल्ली की मुफ्त बिजली और सब्सिडी से पंजाब में मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। मनोज तिवारी ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि दिल्ली में बिजली पहले ही महंगी थी, अब आपने और महंगी कर दी। पहले बिजली कंपनियों के साथ मिलकर फ्री बिजली के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी खजाने से निकालकर सब्सिडी और फिक्स चार्ज के रूप में कंपनियों की जेब में डाला, अब महंगी बिजली कर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।